दोस्तों श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड करके आईसीसी को मजबूर कर दिया कि वो श्रीलंका ही क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दें। भारत से करारी हार के बाद श्रीलंका की टीम इतना बौखला गई कि उसने अपने पूरे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। अब आईसीसी में इनकी अगुवाई करने के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बचा, तो आईसीसी को मजबूरन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ही सस्पेंड करना पड़ा। इसका नुकसान सारे प्लेयरों को भुगतना पड़ेगा। अब प्लेयर कोई भी आगे का टूर्नामेंट जो आईसीसी से ऑर्गेनाइज करेगी उसमें पार्ट नहीं ले सकते, T20 वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं ले सकते, और इवन किसी भी और देश में जो कोई भी क्रिकेट के संबंधित खेल हो रहा होगा उसमें यह टीम हिस्सा नहीं ले पाएगी। ये तो श्रीलंका सरकार को सोचना चाहिए था कि वो क्या करने जा रही है, इसका परिणाम क्या होगा। हाँ, खेल में हार जीत एक हिस्सा है, इतना बौखलाकर सारे कदम